सर ऊपर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का नवंबर वादा देख रहे हैं 5800 का हाई लगा चुका है और दिसंबर वादे की बात करें तो 5700 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। रूपा जी आपने जो लेवल दिया था कि सोयाबीन 5500-5600 तक जाती नजर आ सकती, आज आपके वो लेवल अचीव होते हुए नजर आ गए हैं और इनफैक्ट 5800 का भी हाई नवंबर वादा में हम देख चुके हैं। रूपा जी यहाँ से आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मंडियों में सोयाबीन की अराइवल है लेकिन इंटरनेशनल डिमांड इतनी है और डोमेस्टिक लेवल पर भी हम काफ़ी ज़्यादा डिमांड आते हुए देख रहे हैं ऑयल मिलों और प्लांटों की तरफ से, कि आवकों के प्रेशर के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में सोयाबीन की कीमतें क्या आने वाले कुछ सप्तों में 6000 का भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए 6000 का लेवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आना थोड़ा मुश्किल है। टच जरूर हो सकता है वो लेवल। अभी नवंबर वायदा की बात करें तो एक्सपायरी है, लेकिन दिसंबर वायदा भी तेजी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दोनों ही वायदा के अंदर लगभग 2.5% की तेजी जो है, 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो आप मान के चलिए 5800-5850 का स्तर तो आज ही संभव है, दिसंबर वायदा में देखने को मिल सकता है, और वहीं 6000 का स्तर बिल्कुल इस दिसंबर वायदा में देखने को मिल सकता है। इस साल के अंत तक ये लेवल संभव है जी। तो यानी कि सोयाबीन भी इस समय जो अच्छी तेजी दिखाती नजर आ रही है वो भी साल के अंत तक ठीक ठाक मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो आवकों का प्रेशर है ठीक ठाक है लेकिन जो डिमांड फैक्टर है वो काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है, जो सोयाबीन की कीमतों को रूपा जी के अनुसार तेजी की ओर लेके जा सकता है।